हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन दैट इज़ नेशनल ट्रस्ट एक्ट ठीक है जी तो जैसे कि हम एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे हमने रीहेबेचुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी किया ठीक है जी तो वैसे ही हम नेक्स्ट एक्ट करने जा रहे हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट ठीक है इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको आ सकता है एग्जाम्स में सीधा फोर्टीन मार्क्स का ठीक है जी तो ये भी क्या है जैसे कि इंक्लूसिव पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है डिसेबल बच्चों के लिए ही है ये एक्ट ठीक है द नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद बट इसमें क्या किया गया है इन्होंने कुछ डिसबिलिटीज़ के बारे में बताया है जबकि जैसे आर सी आई है वो सारे डिसबिलिटीज़ पर वर्क करते हैं मतलब जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं उन पे मतलब वर्क करता है वो आर ठीक है तो एन ने क्या किया कुछ अलग से डिसेबिलिटीज मेंशन की हैं और उन पे ये वर्क करता है जैसे कि ऑटिज्म हो गया सैरिबल पाल्सी हो गया मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल डिसेबिलिटीज ये सिर्फ इनके लिए ठीक है ये सारी जो डिसबिलिटीज़ हैं एन के अंडर आती हैं राइट सो दिजन ऑफ द नेशनल ट्रस्ट कि ये जो एन टी ए है ये क्यों चलाया गया है इन्होंने क्या सोच के चलाया है सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी विच वैल्यूज ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड इनेबल्स एंड एम्पावर फुल पार्टिसिपेशन वो कहते हैं कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो क्या फुल्ली पार्टिसिपेट करें बाकी बच्चों के साथ पर्सन विद डिसबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली विद डिग्निटी ताकि वो भी इज्जत से रहे इक्वल राइट्स उनको मिले और अपॉर्चुनिटीज मिले ठीक है जो डिसेबल्ड हैं कौन कौन से डिसेबिलिटी है जिनको ऑटिज्मी मेंटल रिटाडेशन एंड मल्टीपल डिसबिलिटीज ठीक है जी देन मिशन ऑफ द नेशनल ट्रस्ट तो इनका मेन मिशन क्या है कि जो नेशनल ट्रस्ट है किन के लिए काम करता है टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग ऑपरचुनिटीज किन के लिए फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट ठीक है कैपेसिटी डेवलप करनी है उन बच्चों की जिनको कोई डिसेबिलिटी है और उनकी फैमिलीज की भी हेल्प करनी है ताकि उनके राइट्स भी फुलफिल हो इसलिए भी काम करना है फैसिलिटेट करना है एंड उनके लिए एक अच्छा इन्वामेंट क्रिएट करना है एंड एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करनी है ठीक है जी तो एन इनके लिए काम करता है ताकि जो डिसेबल्ड हैं ठीक है उनको एक अच्छी सोसाइटी मिले उनकी जो फैमिली है फैमिली का जो वेलफेयर है जैसे इंश्योरेंस वगैरह करवाना उनको फंडिंग प्रोवाइड करना तो ये सब भी क्या है एन के अंडर ही है ठीक है जी तो ये काम किसका एन का है देन नेशनल ट्रस्ट मिशन और फंडामेंटल इज इसका मेन परपज क्या है ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाए कौन सा इन्वायरमेंट जहां पर डिसेबल्ड बच्चों को डिसेबल्ड लोगों को क्या है प्रॉपर ऑपरचुनिटी प्रोवाइड की जाए ठीक है जी फॉर पर्सन विद डिसबिलिटीज थ्रू कॉम्प्रीहेंसिव सपोर्ट सिस्टम ठीक है प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना है उनके लिए विच कैन बी डन बाय कोलाबरेटिंग विद अदर मिनिस्टर्स ये देखो हम किसी कोई संस्था है अगर चल रही है अगर उसमें सबसे बड़ा हाथ मिनिस्टर्स का हो तो सबसे ज़्यादा फंडिंग हमें उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा हेल्प हमें मिनिस्टर्स की तरफ से मिल सकती है या और कोई जो हायर पोस्ट पर काम कर रहा है उनकी तरफ से हमें हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है डिसेबल लोगों के लिए विच विल लेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एन इंक्लूसिव सोसाइटी सोसाइटी उससे क्या होगा कि जो सोसाइटी का बर्डन है वैसे तो देखो कम हो जाएगा क्योंकि जो फंडिंग वगैरह वो बाहर से आ रही है और जो डिसेबल्ड हैं वो भी क्या है उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाएगा और एक अच्छे मेंबर वो सोसाइटी के बन पाएंगे और उनको सोसाइटी में इंक्लूड भी किया जाएगा ठीक है जी सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि एनटीए का, का काम है क्या एक्चुअल में है तो वैसे सेम सेम ही है का, का काम ठीक है तो रिहेबैचुलेशन काउंसिल क्या करता है वो सारी ये चीज़ें देखता है रेगुलेट करता है मॉनिटर करता है ठीक है कि क्या सब सही से चल रहा है और एन क्या करता है उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है उनको प्लस उनकी फैमिलीज को बट सिर्फ इन्होंने बात क्या की गई है पांच तरह के डिसेबिलिटी की बात की है उससे ज़्यादा इन्होंने कुछ मैंशन नहीं किया राइट सो नाउ कम्स टू देयर ऑब्जेक्टिव्स कि इनके ऑब्जेक्टिव्स है क्या सो so, मेन ऑब्जेक्टिव्स इनके क्या हैं इनके एम्स क्या हैं एन टी ए के टू इनेबल एंड एम्पावर द पर्सन विद डिसबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली ताकि जो पर्सन है डिसेबल्ड है वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो उसको पूरे रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो इंडिपेंडेंटली रह सके अपना किसी पर बोझ ना बने एक तरह से ठीक है एज़ फुल्ली एज पॉसिबल विद इन एंड क्लोज टू देयर कम्युनिटी एज पॉसिबल और जितना हो सके उनको कम्युनिटी में है जितना हो क्या है एक तरह से योगदान डालें उनको भी एक मेंबर समझा जाए सोसाइटी का राइट right? और जितना हो सके मतलब उनको सोसाइटी के करीब करना है ताकि उनको भी एक मेंबर माना जाए राइट देन टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ताकि उनको भी रियलाइज हुई जो डिसेबल हैं ठीक है ठीके? कि उनके भी कुछ राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और उनको उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए राइट right? तो so, उनको भी एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और फुल्ली पार्टिसिपेट करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है उनका टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज राइट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to extend the support to the registered organization to provide need based services ठीक है जी और जो disabled हैं उनको proper support provide करनी है और अगर उनको और ज़्यादा ज़रूरत है तो उनकी support को extend किया जाएगा जितनी उनको ज़रूरत है organization की तरफ से right उनको services provide की जाएंगी then प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ गार्डियंस एंड ट्रस्टीज फॉर पर्सन विध डिसबिलिटीज अगर जो पर्सन है विद डिसबिलिटीज अगर उनके कोई गार्डियंस हैं ट्रस्टीज हैं ठीक है, है जी तो उनका क्या है उनको भी प्रॉपरली गाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम ठीक है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा देन कौन कौन सी डिसबिलिटीज आती है एन टी ए के अंडर ऑटिज्म पॉलिसी मेंटल रिटारेशन एंड मल्टीपल डिसबिलिटीज राइट आई होप दिस इज क्लियर अब इन्होंने क्या किया जो एन है इतना तो उन्होंने बता दिया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एन का काम ये है अब इन्होंने क्या किया कुछ स्कीम्स चलाई ठीक है एन की तरफ से कुछ स्कीम्स चली अब उन स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे जो मेन एक्चुअल में एन का है ठीक है जो एन के टॉपिक के अंडर सबसे मेन चीज है वो है कि इन्होंने स्कीम्स चलाई अब वो स्कीम्स क्या कहती हैं कौन कौन सी स्कीम है बहुत सारी स्कीम्स थी जैसे दिशा हो गया संभव हो गया विकास हो गया समर्थ हो गया घर घरौंदा हो गया निर्मय हो गया सहयोगी प्रेरणा ज्ञान ठीक है तो ये सब क्या है इनकी स्कीम्स थी अभी वैसे तो ये हिंदी नाम है अगर आप ध्यान से देखो है ना वैसे तो आधा तो आपको पता ही लग गया होगा कि इनका मतलब क्या है सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिशा दिशा क्या होता है दिशा अगर हम देखा जाए तो हम बताते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे बच्चों को डायरेक्ट किया जाता है ठीक है दिशा का मतलब तो यही होता है अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम है ये इन इस स्कीम के अंडर है क्या एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए चिल्ड्रन इन एज ग्रुप जीरो टू टेन आर एलिजिबल ठीक है दिशा स्कीम के अंडर उन्होंने बोला जो बच्चे ज़ीरो टू टेन ईयर्स के हैं वो एलिजिबल हैं प्रोविजन्स ऑफ थेरेपीज ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द फैमिली मेम्बर्स ज़ीरो टू टेन ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट उनको प्रॉपर थेरेपीज दी जाएंगी ठीक है फैमिली मेम्बर्स को भी डे केयर फैसेलिटीज़ टू पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एटलीस्ट फोर आवर्स इन अ डे ठीक है जो डे केयर फेसिलिटीज़ हैं वो भी जो पर्सनस होते हैं विद डिसबिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाएगी चार घंटे दिन में स्कीम विल बी अवेलेबल इन द इंटायर कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ये स्कीम सारी जगह अवेलेबल होगी दिशा जो स्कीम है एन की तरफ से सारी जगह अवेलेबल होगी बट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगी ये तो सिंपल सी चीज़ है समझ आ गई नाउ कम्स द नेक्स्ट स्कीम दैट इज विकास विकास क्या होता है डेवलपमेंट करना डे केयर की बात की है इन्ेंसिंग इंटरपर्सनल एंड वोकेशनल स्किल्स विकास करना क्या होता है बच्चे की डेवलपमेंट करनी डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट आए फिजिकल इमोशनल सोशल मेंटल तो उन्होंने यही बोला कि जो बच्चों की इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल मतलब कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं और वोकेशनल स्किल्स हैं बच्चे की इन्हांस हो अच्छी हो और डे केयर फैसिलिटीज़ दी जाए फॉर एटलीस्ट सिक्स आवर्स इन अ डे अलॉन्ग विद एज स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ भी करवाई जाए बच्चों से ठीक है ये कम से कम छः घंटे डे केयर फैसिलिटीज दी जाएंगी डिसेबल पर्सन को प्लस उनको क्या करना है कुछ ऐज उनकी एज के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ करवानी है तभी तो विकास होगा डेवलपमेंट होगा ठीक है रिलेट करके चलोगे तो बहुत इजीली आप इस टॉपिक को समझ जाओगे जो बैच का साइज़ है मतलब कितने बच्चे होने चाहिए बैच में थर्टी पी मतलब पर्सन विथ डिसबिलिटी तीस बच्चों के लिए ये है ठीक है और सेम है कि सारे स्टेट्स में अवेलेबल है बट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगा राइट नाउ कम्स अ नेक्स्ट घरौंदा घरौंदे से ही पता लग रहा है घरौंदा क्या होता है घर होता है हाउस ठीक है ग्रुप होम फॉर द एडल्ट एंड एश्योर्ड होम एंड मिनिमम क्वालिटी ऑफ केयर सर्विसेज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पी डब्ल्यू डीज की जो पर्सन विद डिसबिलिटीज है ना वो जो बच्चे जिनको डिसबिलिटी है उनको एक प्रॉपर होम दिया जाएगा ठीक है समझ आ गई सारी लाइफ के लिए देन बैच साइज उनका कितना होगा ट्वेंटी बच्चे कम से कम ट्वेंटी बच्चों को घरौंदा स्कीम के अंडर रखा जाएगा राइट एडिकेट एंड क्वालिटी केयर सर्विसेज विद एक्सेप्टेबल लिविंग वोकेशनल स्टैंडर्ड प्रोविजन ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर दी जाएगी फ्रॉम द प्रोफेशनल डॉक्टर्स ऐसे ही कोई सिंपल सा डॉक्टर नहीं प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर्स के अंडर उनको मतलब ट्रीट किया जाएगा एंड एज इट इज़ सेम है ये पॉइंट अगला तो कि हर जगह ये क्या है एक्टिव होगा ये जो घरौंदा स्कीम है बट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगी राइट नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट दैट इज निर्मया निर्मया इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी किसको पर्सन विद डिसेबिलिटीज को प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर कम से कम एक लाख रुपए की इंश्योरेंस उनकी करवाई जाएगी फैसिलिटी दी जाएगी उनको कौन सी ओ ट्रीटमेंट करवाया जाएगा प्रॉपर मेडिसन्स दी जाएंगी फ्री में ठीक है डेंटल प्रिवेंटिव सर्जरीज़ वगैरह थेरेपीज वग़ैरह ताकि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कम हो सके इसीलिए तो इंश्योरेंस करवाई जाती है ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी को ट्रीट करवा सके फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फ्री है उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं है एंड सारी जगह ये अवेलेबल है बट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगा आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ कम्स प्रेरना प्रेरणा क्या है मार्केटिंग असिस्टेंस मतलब इट इज अ स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट वाइड स्प्रेड चैनल फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पी डब्ल्यू डी जैसे कि उनको क्या है एक तरह से जैसे कोई डिसेबल बच्चा है उसने कोई चीज बनाई खुद से ठीक है कोई भी जैसे पॉट्स वगैरह हो गए जैसे एग्जीबिशंस लगती हैं वहाँ पे कई बार आते हैं ना कि आप प्लीज़ ले लीजिए इसको खरीद लीजिए बच्चों को बोला जाता है क्योंकि वो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और अगर आप उनको ख़रीदोगे उस चीज़ों को उनके बनाई हुई चीज़ों को तो उनको भी अच्छा लगता है तो ऐसे जो मार्केटिंग असिस्टेंस मतलब जो चीज़ें वो बनाएंगे ना उसको सेल किया जाएगा ठीक है बहुत सारे चैनल्स मीडियम्स के थ्रू नेक्स्ट aims at providing funds to participate in events like exhibition, मेलाज fairs etc. आपने मेले वगैरह में देखा होगा फेयर्स में exhibitions में जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उन वो बहुत ही अच्छी क्रिएटिव सी चीज़ें बनाते हैं आपको देखने में भी अच्छा लगता है वो सेलिंग के लिए बनाते हैं ठीक है तो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए जब भी आप जाओ सो नाउ कम्स द नेक्स्ट स्कीम नेक्स्ट स्कीम है ज्ञान प्रभा ज्ञान का मतलब क्या होता है एजुकेशन सो एजुकेशनल सपोर्ट दी जाएगी उनको कैसे इंक्रेज किया जाएगा पर्सन विद डिसबिलिटी फॉर परसुइंग द एजुकेशन लाइक ग्रेजुएशन करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा कोर्सेज करने के लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स होगी उनके लिए क्या है उनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाएगा किसकी तरफ से एन की तरफ से उनको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दी जाएगी पर कोर्स एज अ पी ठीक है और उस अमाउंट में क्या है उनकी फीस भी कवर हो जाएगी उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो जाएगा और बुक्स का भी खर्चा बीच में हो जाएगा छोटी सी अमाउंट में राइट नेक्स्ट लास्ट इज संभव संभव अब देखिए हमने डिसेबल्ड को इतना चीज़ें प्रोवाइड करनी है अब ये चीज़ें संभव कैसे होंगी जब हम उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जैसे एड्स किसी को सुनने में दिक्कत है तो उनको हियरिंग एड्स आपको प्रोवाइड करेगी कौन करेगा एन करेगा राइट सेटअप एडिशनल रिसोर्स सेंटर इन ईच सिटी ऑफ द कंट्री रिसोर्स सेंटर हर सिटी में होना चाहिए कलेक्ट एड्स प्लस असिस्टिव डिवाइसेस ठीक है प्रॉपर उनको एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस दिए जाएंगे प्रोवाइड ईजी टू डिवाइसेस अप्लाइंस एड्स सॉफ्टवेयर जो भी उनको जरूरत है उनको प्रोवाइड की जाएगी एन की कौन सी स्कीम संभव के थ्रू ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट एम टी ए इन्होंने ज़्यादा मतलब फोकस इस पर की है स्कीम्स प्रोवाइड करने में आई होप ये स्कीम्स आपको समझ आ गई होंगी आई नो इट इज़ सम समट बोरिंग ऑल्सो ठीक है क्योंकि ये क्या है स्कीम्स ही है जस्ट आपको जो लर्न करनी पड़ेंगी पेपर के लिए वैसे तो ठीक था ये टॉपिक ठीक है बाकी अगर आपको समझ आया हो अच्छा लगा हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच